रहे हैं, मुतबादल रास्ते अख्तियार करें का बोर्ड लगा हुआ है और ये काची एक्सपेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ आई ये बकायदा जो आपके लोग हैं उनको आप प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। कराची के करीमाबाद से मैं हाजिर हूँ और मैं अभी जिस रास्ते पे हूँ वो रास्ता है सामने दिल्ली साइंस कॉमर्स कॉलेज का। आपको पता है कि कराची में करीमाबाद पे अंडर पास बन रहा है और इस अंडर पास को बनाने के लिए प्रॉपर जो है वो प्लानिंग की गई है। 5-6-7 महीने के अरसे से यह अंडर पास बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने जो है ये जो डबल रोड है ये पूरा बंद किया हुआ है और जो करीमाबाद अंडर पास के हवाले से जो मुतबादल रास्ते हैं वो दो दिए हुए हैं। पहले तो हम मुतबादल रास्ते की बात कर लें, उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे अंडर पास की अपडेट के हवाले से। जो मुतबादल रास्ते हैं तो उसमें जो दो मुतबादल रास्ते में से एक मुतबादल रास्ता जो है दिल्ली साइंस कॉमर्स कॉलेज वाला है और दूसरा मुतबादल रास्ता यूनाइटेड किंग की तरफ अल नजीबी की बैक साइड वाला रास्ता। अगर आप आ रहे हैं नाजमाबाद से आयशा मंजिल से और आप हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट जाना चाह रहे हैं तो मुतबादल रास्ते दो हैं। पहला मुतबादल रास्ता जो है वो है अगर आप फर्नीचर मार्केट से उल्टा हाथ मुड़ेंगे अल नजीबी के पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ से अगर जाएंगे तो आप डायरेक्ट निकलेंगे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की तरफ और मेमन मस्जिद की तरफ। मगर वो रास्ता मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि वहाँ आम दिनों में भी जो है बहुत ट्रैफिक जैम होता है और वहाँ चलने की जगह नहीं होती तो बाइक और गाड़ी को बहुत दूर की बात है। अगर आप सुबह 6-7 बजे का वो रास्ता ले रहे हैं तो ठीक है, या रात 12 बजे के बाद रास्ता ले रहे हैं तो फिर ठीक है, मगर उससे पहले ले रहे हैं तो ट्रैफिक बहुत जाम मिलेगा। दूसरा मुतबादल रास्ता ये है कि अगर नाजमाबाद से आप आ रहे हैं और मेन करीमाबाद पर आ जाते हैं तो यहाँ से आपको सीधा हाथ पर यू टर्न लेना होगा जहाँ एफ सी एरिया का रास्ता जा रहा है। वहाँ से जब आप जाएंगे तो वहाँ पी एस ओ पम्प बना हुआ है, इससे आगे जाएंगे तो कसरे अबू तालिब इमामबागा बना हुआ है, वहाँ से और आगे जाएंगे तो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज टेक्निकल बना हुआ है, इससे और आगे जाएंगे तो फाटक आ जाएगी जहाँ इतवार बाज़ार लगता है चिड़ियों का और जानवरों का। वहाँ फाटक से यू टर्न लेंगे, आप यू टर्न लेके वापसी करीमाबाद फैसल बाज़ार की तरफ आएंगे तो आप रोड सीधा हाथ में पड़ेगा शिकिल कॉरपोरेशन, वहाँ से आप सीधा हाथ में मुड़ेंगे तो जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ ये रोड आएगा और सामने दिल्ली साइंस कॉमर्स कॉलेज ये रोड आएगा। यहाँ से स्ट्रीट जाएंगे आप तो उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल आएगा, वहाँ से उल्टा हाथ में मुड़ेंगे तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट आएगा, सीधा हाथ में मुड़ेंगे तो करीमाबाद का ईसा नगरी शरीफाबाद आ जाएगा। फिर ईसा नगरी जाके आप ऑनवर्ड्स गुलशन आगा खान लियाकत और नेशनल स्टेडियम जा सकेंगे। तो ये तो मुतबादल रास्ता है जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप गुलशन से नाजमाबाद से आ रहे हैं टूवर्ड्स अगर गुलशन से और आगा खान से आ रहे हैं या नेशनल स्टेडियम से आ रहे हैं टूवर्ड्स नाजमाबाद आयशा मंजिल और वाटर पम्प जाना चाह रहे हैं तो मुतबादल रास्ता यही है जो मैंने आपको बताया। सेम वही हो जाएगा कि उस्मान मेमोरियल के बक्सर साहब आएंगे, दिल्ली कॉलेज आएगा, यहाँ से शिकिल कॉरपोरेशन आएगा, यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो फाटक आएगा, फाटक से यू टर्न लेंगे करीमाबाद की तरफ तो आप के उल्टे हाथ पे कैसे अबू तालिब इमामबाग आएगा, फिर पी एस ओ पम्प आएगा, वहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो नाजमाबाद आएगा, सीधा जाएंगे तो वाटर पम्प आयशा मंजिल बैरिया टाउन और सलामकोट आएगा। तो ये